हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लगाऊंगी सब्जियाँ, जो कि मैं थैली में अभी लगाऊंगी, क्योंकि अभी जो है वो स्टार्ट हो गया है सब्जियाँ लगाने का सीज़न। और क्या पता कब लॉकडाउन लग जाए, तो इसीलिए अच्छा होगा कि घर पे ही थोड़ी बहुत सब्जियाँ, मतलब जो हम उगा सकते हैं वो उगा लें। तो मैं भी आज लगाऊंगी। मैंने इतने सारे बीज ले लिए हैं, ये देख सकते हो आप। इसमें है कद्दू और घिया, और एक जो ये ब्लैक फ्लेक्स आप देख रहे हो, ये है तोरी। तोरी क्या होती है शायद मुझे भी नहीं पता इसको और बाकी क्या बोलते होंगे, पर हमारे तो इसको तोरी बोलते हैं। और एक है, एक पौधा भी है, वो जापानी फल का है, वो मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, बट मैं लगाऊंगी। अगर हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी के जो पौधे हैं वो हो जाएंगे। और कद्दू भी है, घिया है, तुरी है, इतने सारे हैं। बाकी मैं और मंगवाऊंगी, जैसे कि खीरा हुआ, तो खीरे के अभी मुझे बीज कहीं से मिल नहीं रहे थे, या तो फिर मार्केट से लेके आने पड़ेंगे। यहाँ गांव में पूछा था तो यहाँ मुझे नहीं मिले किसी के पास, इसीलिए कहीं और जगह से लेके आएंगे। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं इनको जो है वो किस तरह से लगाऊंगी थैली में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अभी मैं आई हूँ खेत में, खेत से मैं लेके जाऊँगी मिट्टी ये, और मैं लेके आई हूँ साथ में ये वाली थैली काफ़ी सारी। तो इसमें मैं जो है वो घर पे ही सब्जियाँ और सब्जी की, मतलब सब्जी के जो बीज होते हैं वो डालूँगी, तो वो घर पे ही उग जाएंगी। तो मैं अभी जो है वो मिट्टी यहाँ पे भर लूँगी खेत से, और खेत की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इस तरह से मैं जो है वो भर लूँगी। इतनी सारी थैलियाँ जो है वो भर ली है, और अब मैं इनको इसमें डाल दूँगी घर ले जाने के लिए। दो, तीन, चार, देखिए इतने सारी थैलियाँ मैंने भर के, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ थैलियाँ मैंने भर के कर ली है तैयार। अब मैं इनको लेके जाऊंगी घर, और फिर मैं घर पे देखती हूँ। ये मैंने लगा लिए हैं सारी थैलियाँ साइड में, मतलब घर के बाहर बरामदे में इनको मैंने लगा लिया है, और थोड़ा सा पानी डाला। और ये है बीज, तो ये वाले जो बीज है ये है पंडोल बोलते हैं इसको हमारे, ये कद्दू की तरह होते हैं। तो इसको हम इस तरह से, ये वाला हिस्सा जो होता है ये वाला हम ऊपर रखेंगे, और जो ये पीछे वाला होता है इसको हम नीचे डालेंगे। इस तरह से हम जो है वो लगाएंगे। तो ये मैंने थैली ले ली है, अब इस वाले हिस्से को मैं मिट्टी में नीचे डाल लूँगी, और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, और ऊपर से जो है वो थोड़ी सी मिट्टी में डाल लूँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है लौकी, तो दो बीज, दो दो करके ये लगाने पड़ते हैं, तो दो बीज मैं लौकी के लगाऊंगी। इसी तरह से इसका भी तीखे वाला हिस्सा जो है वो नीचे मैं मिट्टी में डाल दूंगी, और जो दूसरी साइड का होता है वो ऊपर वाली साइड को करूंगी, और ऊपर से थोड़ी मिट्टी डालूंगी। और ये है काली तूरी, तो इसको भी मैं इसी तरह से
लगा लूँगी जिस तरह से मैंने और लगाए थे। तो ये मैं सब्जियाँ जो है वो घर पे ही उगा लूँगी। थोड़े दिन बाद ये निकल आएंगे, इसके बैल जो इसकी, या पौधा, पौधा तो नहीं भी होता है, बेली होती है, तो वो निकल आएगी। और ये है कद्दू के, तो कद्दू के भी मैं ऐसे ही लगा लूँगी, दो दो बीज मैं हर चीज़ के लगा लूँगी, क्योंकि फिर अपने यूज के लिए हो जाएंगे। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बैल जो इसकी जाती है काफ़ी लंबी जाती है। और ये मैंने लगाए थे दो, मेरे पास जापानी फल थे, तो उसको भी मैं लगाऊंगी। उसका तो वो पौधा ही लगेगा, क्योंकि उसकी बैल नहीं बन जाएगी, तो उसका मुझे पता नहीं कि वो होगा भी या नहीं होगा, तो वो तो मैं वैसे ही चेक करने के लिए लगा रही थी। बाकी जो बैल है, बैल के मतलब जो सब्जियां है, वो तो हो ही जाएंगी, तो इस करके मैंने जो है ये सारे लगा लिए थे। और ये इसकी घर पे अच्छे से सिंचाई हो जाएगी, और फिर जो मेरे पास एक्स्ट्रा थे बचे हुए, वो भी मैं और लगा रही थी इसमें, मतलब जो थैलियाँ बच गई थी, और बीज तो काफ़ी सारे थे, तो जितने पॉसिबल हुए मैंने उतने लगा लिए थे, तो सबके काम ये आ जाएगी। और इसके बाद मैं इसकी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी सिंचाई कर लूँगी इस टाइम, मतलब लगाने के बाद। बाकी वैसे सिंचाई तो डेली होगी, दिन में दो बार तीन बार भी हो सकती है, मतलब जिसके अगर गर्मी ज़्यादा पड़ी तो दिन में भी सिंचाई करनी पड़ती है, शाम को भी सिंचाई करनी पड़ती है। तो तभी मैंने इनको जो है वो अभी घर पर ही मैंने इनको लगा लिया था सिंचाई करने की वजह से। सो गाइस, ये मैंने लगा लिए हैं सारे, मतलब सब्जियां मैंने लगा ली है जितनी मैंने लगानी थी, कुछ एक रहती है वो मैं बाद में लगाऊंगी। तो अभी मैं इनको जो है वो साइड पे रख लूँगी, जिस साइड की एक साइड में इसको रख लूँगी, यहाँ पे मुझे इसको रखना है इस वाली साइड पे, तो यहाँ पे छाँव भी है और धूप भी है। तो अभी मैं सारे पौधे जो है वो यहाँ रख दूँगी। तो हमने इनको घर पे क्यों लगाया वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर हम इनको खेत में लगाते तो फिर सिंचाई की दिक्कत होती है, मतलब कभी कभी भूल जाते हैं सिंचाई करना, इसीलिए अगर घर पे हो तो इसकी जो है वो डेली सिंचाई हो जाएगी, क्योंकि याद रह जाता है। फिर धूप भी हो तो दिन में हम दो दो बार भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार हम सिंचाई कर सकते हैं। और अगर मैं इसको खेत में लगाती तो फिर घर से ऐसा लगता है कौन जाएगा सिंचाई करने, तो इसीलिए इनको हमने घर पे लगाया। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे थोड़े से, फिर सिंचाई की ज़रूरत नहीं होगी, फिर जो है वो हम इनको खेत में लगा लेंगे। तब तक ये रहेंगे घर पे ही, और यहाँ इनको गोबर डलेगा, और यहाँ इनकी जो है वो अच्छी देख रेख भी होगी। तो जब ये हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे जो सब्जियां है वो कैसे चल रही है, थोड़े से निकलेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैंने इनको जो है वो साइड में लगा लिया है, और अब मैं करूंगी बाकी काम। अभी मुझे बहुत काम है कपड़े धोने का, और फिर मुझे सूट भी सिलने हैं, क्योंकि अभी शादियाँ जो है वो आने वाली है, और सूट अभी एक भी नहीं सिला हुआ है, इसीलिए आज दिन में मुझे सूट भी तैयार करने हैं। तो करती हूँ मैं अभी काम। सो गाइज, आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हम जो है वो किस तरह से सब्जियाँ उगाते हैं, आप वीडियो में देख ही चुके हो सारा प्रोसेस सब्जियाँ उगाने का। तो जब मेरी सब्जियाँ उग जाएगी फिर मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि हाँ मेरी कौन कौन सी सब्जियाँ जो है वो सक्सेसफुल हुई, और कौन सी जो है वो नहीं चली बैल, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कितने दिन में निकले वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।